Hello students, good morning all of you. In the last lecture we were discuss about the first aid and what first aid we could available for minor cuts. Today we will continue with if a person faints ka matlab hai murchit hona, lagbhag behosh hona. If a person faints, make him lie down with his head at a level lower their body. अगर कोई इंसान क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, तो उसको हमें नीचे लेटा देना चाहिए. कैसे? विद हिज हेड द लेवल लोअर देन द बॉडी. उसके बॉडी से उसके हर्ट का लेवल जो क्या होना चाहिए, नीचे. यानी कि उनका उसका जो सिर है वो नीचे और बाकी बॉडी का पार्ट जो हो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए. इस तरह से हमें उसको नीचे लेटा देना चाहिए, लाई डाउन कर देना चाहिए. दिस हेल्प्स द ब्लड टू रीच हिज ब्रेन फास्टर. इससे क्या होगा एक्चुअली में, क्यों ऐसा करना चाहिए हमें, क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि हेड जो है उसका डाउनवर्ड है, तो उससे हार्ट में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो थोड़ा फास्टली होगा और ब्लड जो है वो जल्दी से हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा. अलाउ फ्रेश एयर अराउंड द पर्सन. फ्रेश एयर, ताज़ी हवा जो है उस पर्सन के पास आनी चाहिए, हमें अलाउ करनी चाहिए ताकि उसे ताज़ी हवा जो है सांस लेने के लिए मिले. लूजन हिज क्लोथ्स एंड स्प्रिंकल कोल्ड वाटर ऑन हिज फोरहेड. उसके कपड़ों को थोड़ा सा ढीला कर देना चाहिए, हमें लूज कर देना चाहिए ताकि ईजिली जो एयर है उसकी बॉडी तक पहुंच सके. एंड कोल्ड वाटर जो है ठंडा पानी उसके फोरहेड यानी कि माथे पर हमें उसका छिड़काव करना चाहिए. लेट द पर्सन रेस्ट क्वाइटली, सेंड फॉर ए डॉक्टर. जब उस पर्सन को, उस आदमी को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, थोड़ा सा वो फील अच्छा फील करे, उसको हमें उस समय डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ इफ़ बिटन बाय एन इंसेक्ट. अगर किसी भी पर्सन को अगर किसी कीड़े ने काटा है, तो उसके लिए हम कौन सी फर्स्ट एड जो है उसको देंगे. इंसेक्ट बाइट्स और स्टिंग आर पेनफुल. जो इंसेक्ट बाइट्स है, जो कीड़े काटते हैं या उनका वो जो स्टिंग करते हैं, चुभता है, वो बहुत ही पेनफुल होता है, दर्दनाक होता है. इफ़ बिटन बाय एन इंसेक्ट लाइक ए बी और ए वास्प. अगर किसी मधुमक्खी वगैरह ने हमें काटा है, अप्लाई ए पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम ऑन द अफेक्टेड पार्ट टू गिव रिलीफ. पुट सम आइस ऑन द अफेक्टेड पार्ट. अगर हमें किसी ने काटा है तो हमें क्या करना चाहिए, बेकिंग सोडा का पेस्ट और कोल्ड क्रीम जो है जहाँ पर काटा है उस पार्ट पर हमें लगाना चाहिए ताकि थोड़ा सा हमें रिलीफ, थोड़ा सा आराम मिले. पुट सम आइस ऑन द अफेक्टेड पार्ट. और जहाँ पर भी इंसेक्ट ने बाइट किया है वहाँ पर, उस पार्ट पर थोड़ी सी आइस जो है हमें रख देनी, लगा देनी चाहिए. फॉर बर्न्स, अगर कोई इंसान जल जाता है तो उसके लिए हम कौन सी उसको फर्स्ट एड जो है वो दे सकते हैं. इफ़ ए बर्न इज़ माइनर, वॉश द बर्नड एरिया विद कोल्ड रनिंग वाटर. अगर बर्न जो है, जला जो जला है वो थोड़ा है, यानी कि छोटा सा जला है, वॉश द बर्नड एरिया विद कोल्ड रनिंग वाटर. तो उस जले हुए हिस्से को हमें ठंडे पानी के से, ठंडे बहते हुए ठंडे पानी से धो देना चाहिए. पुट एट आइस पैक ऑन द बर्नड एरिया. और जहाँ पर जला है, जो जले वाला स्थान है, वहाँ पर हमें आइस पैक्स जो है वो रख देने चाहिए, बर्फ जो है वो लगाने चाहिए. देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द अफेक्टेड एरिया. और उसके बाद कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम जो है वो उस अफेक्टेड एरिया पर, यानी कि जहाँ जला है वहाँ पर हमें लगानी चाहिए. इफ इट इज़ गुड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एन एमरजेंसी एंड टू नो हाउ टू गिव एड्स. इट इज़ गुड टू बी प्रिपेयर फॉर एन एमरजेंसी. किसी भी एमरजेंसी के लिए, अचानक से होने वाली जो घटना है उसके लिए हमें अच्छी बात है कि हम उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं, तैयार रहते हैं. नो एंड टू नो हाउ टू गिव फर्स्ट एड. और ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे उसको प्राथमिक उपचार दे सकते हैं. तो ये अच्छी बात है कि हम किसी को इमरजेंसी में, हम किसी को भी प्राथमिक उपचार देने के लिए जो क्या है वो तैयार रहते हैं, अगर हमें ये पता हो कि हमें उसको कौन सा प्राथमिक उपचार देना है. हाउएवर इट इज़ बेटर टू रिमेंबर एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट. इसके साथ साथ ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम ये रिमेंबर, जो सेफ्टी रूल्स हैं उनको याद रखें और उनको फॉलो करें ताकि जो एक्सीडेंट्स है, जो दुर्घटना है वो ना हो, उनसे हम बच सकें. ऑलवेज रिमेंबर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. सावधानी जो है वो इलाज से ज़्यादा
बेटर है. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू एंड द चैप्टर इज फिनिश्ड. इन द नेक्स्ट डे आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बाय सीइंग दिस वीडियो. थैंक्स, हैव ए गुड डे.